दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे चैनल जी एक्वामैक्स में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं आप लोगों को, वीडियो पूरा देखा करिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो भी देखिए आप लोग, जिससे आपको बढ़िया बढ़िया जानकारी मिल सके। पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी हमने दी है, तो उसको पिछला वीडियो भी देखा करिए आप लोग। तो दोस्तों अब धीरे धीरे हीटर का समय आ रहा है, तो हम आज आपको बताते हैं कि कितने बड़े टैंक में कितने वाट का हीटर लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाएं कि हमारा हीटर फूटे भी ना और जो है पानी भी सही गर्म हो, टेम्परेचर सही बतावे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक थर्मामीटर लेना ही होगा, और सबसे बढ़िया है स्टिकर थर्मामीटर, जो स्टिकर वाला आता है दोस्तों, वो आप लोग अपने टैंक में चिपका लीजिए, तो उससे आप टेम्परेचर अपना नाप सकते हैं। वो गलत नहीं बताता है दोस्तों, एकदम सही बताता है, उस पर हमने रिसर्च मार के देखा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं कि कितने वाट का हीटर अपने अपने टैंक में आप लोग लगावें। तो दोस्तों ये है हीटर, ये देखिए, ये हीटर है। ये दोस्तों आरएस का हीटर है, सोबो का नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो हम आरएस का हीटर आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने टैंक के हिसाब से याद कर लीजिए कि कितने बड़े टैंक में कितना वाट का हीटर लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हीटर है। तो दोस्तों आप लोग अपने अपने टैंक के हिसाब से याद कर लीजिए, एक फीट में आपको, एक फीट के टैंक में आपको लगाना है 50 वाट का, डेढ़ फीट के टैंक में लगाना है 75 वाट का, दो से ढाई फीट के एक्वेरियम में लगाना है 100 वाट का, ठीक है दोस्तों। तीन फीट के टैंक में आपको लगाना है 150 वाट का, और चार फीट के टैंक में लगाना है 200 वाट का, ठीक है दोस्तों। क्लियर एकदम बता दिए, और इसको लगाना कैसे है वो हम आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों आरएस की सेटिंग आप देखेंगे तो ये 26 पे रहती है, लेकिन जब आप स्टिकर वाला थर्मामीटर या कोई भी थर्मामीटर से पानी का टेम्परेचर नापेंगे तो वो 28 बताएगा दोस्तों। तो इसको अगर आप 28 कर देंगे घुमा के, तो आपका टेम्परेचर पानी का 30 हो जाएगा, इसलिए 28 ठीक माना गया है। तो आप इसको 26 पे ही रहने दीजिए। अगर आपके पास सोबो का मिल जाता है आपको, तो उसका सेटिंग 28 पे होता है, तो उसको 28 पे ही रहने दीजिए, 30 मत करिए। अगर आपको 30 की ज़रूरत है तब करिए, और नहीं तो मत करिए, क्योंकि सोबो का क्या होता है कि अगर 28 पे सेटिंग है तो आपका स्टिकर वाला भी 28 पे बताएगा, और 30 पे करेंगे तो 30 बताएगा। यानी सोबो का इतना बढ़िया होता है कि एग्जैक्ट जितना आप सेट करेंगे पानी का टेम्परेचर उतना ही बताएगा दोस्तों। और आरएस में, एक्वाग्रेस में, और भी जितने आपके आते हैं वो सब 26 पे सेट रहते हैं, और जब आप पानी का टेम्परेचर नापेंगे या स्टिकर वाले थर्मामीटर से देखेंगे तो दोस्तों वो 28 बताएगा। तो यानी इसकी सेटिंग 26 पे रखनी है, और सोबो का अगर आपके पास है तो उसको एग्जैक्ट 28 आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इसको लगाना कैसे है देखिए, ये देखिए, ये ऐसे लगाइए। और दोस्तों ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये काला काला है, यहाँ नहीं लगाना है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए, ये देखिए साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये। और दोस्तों इसको आप देख पा रहे होंगे कि इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ऐसे, या तो आप टैंक में इसको हॉरिजेंटल लगाइए, यानी ऐसे ऐसे चिपसक कर दीजिए, और या तो फिर ऐसे खड़ा लगाइए दोस्तों, या तो ऐसे लगाइए और या तो ऐसे लगाइए, ऐसे या ऐसे या थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताता है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ हमने रिसर्च मार के पता किया दोस्तों कि ये देखिए जो काला वाला लगा हुआ है, जब
थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा पड़ जाती है तो दोस्तों ये वाला सेक्शन आप देखेंगे रात को उठ के तो रेड एकदम लाल हुआ रहता है। तो दोस्तों आप इसको निकाल लीजिए, इसको आप निकाल करके अब तब आप ऐसे लगाइए, हॉरिजेंटल लगा दीजिए या वर्टिकल लगा दीजिए। कायदे से तो फिल्टर के बगल में लगाना चाहिए, लेकिन दोस्तों हम आपको रिसर्च मार करके बता रहे हैं इसको कहाँ लगाना चाहिए। इसको आप टैंक के बीचों बीच, हम आपको टैंक दिखा रहे हैं दोस्तों, टैंक दिखाते रहे, ये देखिए टैंक, देखिए आपको, चूँकि हमने देखिए मेरे टैंक में पर्दा हमने हटा दिया है पीछे का जो लगा रहता है आपका सीनरी, तो इसको आपको पीछे वाले साइड में ऐसे बीच में लगाना है, ना उधर किनारे ना इधर किनारे, बीच में लगा दीजिए ऐसे, और यह तो लगा दीजिए ऐसे। इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लगाइए हीटर, तब तो आपका टेम्परेचर एकदम सही सही बताएगा। मेरे में भी देखिए गलत लगा हुआ है दोस्तों, चूँकि अभी हीटर का समय नहीं है तो स्टार्ट होने वाला है, तो हम भी अपना बीच में लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको हीटर लगाना है और मिस्टेक मत करिए, इसको लगे रह दिया करिए। गर्मी में आप लोग निकालने के चक्कर में तोड़ देते हैं और निकालना नहीं चाहिए दोस्तों। निकालने से इसमें धूप में जब आप सुखाने के लिए रखेंगे या ऐसे रखेंगे तो ये अंदर से मॉइस्चराइज होकर ख़राब होने का डर रहता है, बाद में अगले साल सट कर जाएगा। इसको या तो ऐसे लगाइए या तो ऐसे लगाइए। कुछ लोग बताते हैं कि फिल्टर के बगल में इधर लगा दीजिए, तो नहीं दोस्तों, सही तरीका है बीच में लगाइए, एकदम पानी के बीचों बीच ऐसे लगा दीजिए, इस साइड या ऐसे ऐसे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आपकी हीटर की जानकारी, तो आपको लगाना है हॉरिजेंटल या वर्टिकल, पानी के बीचों बीच लगाइए, बीच में लगाइए, ऊपर मत, ऊपर साइड मत लगा दीजिए पानी के, पानी के बीचों बीच लगाइए ऐसे और चाहे ऐसे, ये चीज़ डूबा रहना चाहिए एकदम, ठीक है दोस्तों। आरएस का है तो 26 पे, एको अग्रेस का है तो 26 पे, लेकिन सोबो का है, क्योंकि ब्रांडेड होता है वो दोस्तों, तो उसको आपको लगाना है 28 पे, 30 पे, जितना पे आप करना चाहें उतना ही करें। और एक स्टिकर वाला थर्मामीटर ज़रूर रखें दोस्तों, वो बहुत सही बताता है दोस्तों। आप अगर टेम्परेचर नापेंगे तो जितना आपने सेट किया उतना ही टेम्परेचर वो स्टिकर पे शो कर देगा। तो दोस्तों हम दिखाते हैं कि वो कैसा होता है स्टिकर आपका जो है, स्टिकर वाला थर्मामीटर। तो दोस्तों ये देखिए हम आपको दिखाते हैं स्टिकर वाला थर्मामीटर, ये देखिए दोस्तों, ये है स्टिकर वाला थर्मामीटर। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे रूम का टेम्परेचर बता रहा है 32, देखिए 32 पे ग्रीन है दोस्तों, यानी पानी का टेम्परेचर 32 है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हीटर नहीं लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये है लुक पूरा एक्वेरियम का, तो आपको या तो सीधा लगाना है वर्टिकल या तो हॉरिजेंटल, ठीक है दोस्तों। तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि कितने वाट का हीटर कितने बड़े टैंक में लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मेरा ये 4 फीट का टैंक है तो इसमें हमने 200 का लगा लिया, चाहे 250 का लगा लिया या 300 का भी आप लगा सकते हैं। तो एक बार फिर से मेंशन कर देते हैं, 1 फीट के टैंक में 50 वाट का, 1.5 फीट के टैंक में 75 वाट का, 2 से 2.5 फीट के टैंक में 100 वाट का, 3 फीट के टैंक में 150 वाट का और 4 फीट के टैंक में 200 वाट का, 4 फीट के टैंक में 200 वाट का, ओके, ठीक है दोस्तों। और वर्टिकल या हॉरिजेंटल लगाना है एकदम बीच में, यानी बीच का मतलब आपका ये सेक्शन यहाँ पे, यानी इधर से और इधर से पानी के बीच में, इधर से आपका आपका जो है पावर फिल्टर आपका देगा जो है बुलबुला एयर, ठीक है दोस्तों। वो ठंडा भी होता रहेगा और जो है पानी भी सही टेम्परेचर बताएगा। तो दोस्तों अब विराम लेते हैं और हीटर का समय आ गया है, आप लोग जल्दी जल्दी ले लीजिए,
नहीं फिर महंगा भी मिलने लगता है और आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।